आई गॉट इन टू यू नो कॉलेज, कॉलेज में एक ऐसा लाइफ स्टाइल था जिसमें कोई फिक्र फाका नहीं है और आप बस याशी की जिंदगी गुजारे. एंड देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज लिविंग अ लाइफ ऑन दिस लोगन विच इज योलो, यू ओनली लिव वंस. मैंने ये सोचा हुआ था कि बस खाओ पियो और ऐश करो, फिक्र ना फाका ऐश कर काका, और जो तुम कर सकते हो इस लाइफ में इंजॉय करो, बिकॉज आखिरत की जिंदगी किसने देखा है. और एक वो जवानी की जिंदगी होती है ना, उसमें फियरलेस बंदा होता है. और फिर हम थे भी ऐसे पार्टी बॉयज जिसमें वी यूज्ड टू हैव फन ऑल डे लॉन्ग, एंड वी यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड हैव फन, एंड सारा सारा दिन घूमना फिरना खाना पीना, एंड यूज्ड टू स्कैन ऑल द रेस्टोरेंट्स ऑफ इस्लामाबाद. और रात को घर आए, कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई नमाजें नहीं, किसी किस्म की सिचुएशन नहीं. नाउ वॉच दिस पिक्चर. ये बेसिकली मेरे शायद कॉलेज या उस दौर की बात है कि जिसमें आई वॉज इन टू पार्टीज, आई वॉज इन टू फाइट्स, आई वॉज इन टू यू नो गैंग फाइट्स, और उस तरह की जिंदगी मैं गुजारा था जिसमें आई वॉन्टेड टू हैव दिस पीस इन साइड माई हार्ट. और चूंकि मैं चाहता था कि बस जिंदगी को ऐसे मिशन पर गुजारा जाए, ऐसे लाइफ स्टाइल में गुजारा जाए जिसमें आपको कोई फिक्र परवाह नहीं है और आप लुट मचा रहे हैं और सारा सारा दिन हम घूमना फिरना याशी करना. दिस वॉज यू नो काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल विच आई लिव, और जिसमें मैं सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा था. I went into gang fights, I went into traveling, I went into a lifestyle जिसमें बस घूमना फिरना था. हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह के माहौल को मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि किसी में तो मुझे सुकून मिल जाए. जब मैं ट्रैवलिंग में गया तो इट वॉज ऑल अबाउट यू नो फन एंड यू नो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, और उसमें गाना और नाचना और हर चीज़ थी, लेकिन देयर वॉज नो इबादत, नो जिक्र अल्लाह सुब्हान तआला, नो जो अल्लाह को था नमाजों की पाबंदी, कुछ भी नहीं था. और एक ऐसा लाइफ स्टाइल था जिसमें गुनाहों से भरा हुआ. आई डोंट वॉन्ट गो इन टू डिटेल्स, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के डिफरेंट आपको मैं स्टेजेस बताना चाहता हूँ कि मैं पहले गया, आई वॉज इन्वॉल्व इन टू यू नो हराम रिलेशनशिप्स, शायद मुझे इसमें सुकून मिले, शायद दिस इज वॉट द अमेरिकन ड्रीम लुक्स लाइक. और हमारी तरबियत घर वालों के साथ साथ हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने की हुई थी. मेरी जिंदगी में वालिद का किरदार पार्टली हॉलीवुड ने प्ले भी किया और बॉलीवुड ने वालदा का किरदार इतना अदा भी किया, क्योंकि सारा दिन उस पे होते थे हम लोग. और लॉलीवुड ने शायद सोतीली माँ का किरदार अदा किया कहीं ना कहीं, वो तो हम देखते ही थे. तो जब वो आप देख रहे होते हो और आपकी पर्सनैलिटी उस तरह बनती जाती है, देन यू वॉन्ट टू लिव लाइक अ मूवी, कि जिसमें शुगल है, इट्स ऑल फन एंड देर इज नो यू नो बैड एंडिंग्स. तो इस तरह के लाइफ स्टाइल में गुजारना चाह रहा था जिसमें इट वॉज ऑल फन एंड पार्टी एंड यू नो पम्प एंड शो. आई वेंट टू डू हराम रिलेशनशिप्स. यस, कुछ महीनों के शुरू में चस्का होता है, मज़ा होता है. And some of the friends used to come to me, यार लाले किस तरह से करता है तू, how do you मतलब give us some tips, and I became love guru, यार बता किस तरह से फंसाना. और मैं उनको टिप्स देता कि बात सुन, अब बड़ा चीता बन देखे, बात सुन, जिंदगी के असूल याद रख, तुझे झूठ बोलना आना चाहिए और तुझे करना वो आया तो बेला, और मैं उनको गुनाहों की दावत देता और इस तरह की चीज़ें. लेकिन उसमें मुझे अल्टीमेटली रियलाइज़ हुआ कि मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिला, कि हमने ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर दिए जिसमें इस्लामाबाद की पुलिस हमारे पीछे होती थी एक ज़माने में, और हम आगे होते थे. और हम मतलब इतने अनफॉर्चुनेटली वो फीलेस हो गए थे कि रब का भी खौफ नहीं है, कि शॉप्स में और मॉल में जा रहे हैं और अपनी पसंद के कार्टन्स और अपनी पसंद की चीज़ें उठाई, एंड वी डिडंट यूज़ टू पे, हमने कुछ पे नहीं करते थे और बस अपने पास उठाए और वो बाहर लेके आ गए. बिकॉज था कि लाइफ तो हमारी लाइफ है, हमसे कौन सवाल, हमसे कौन पूछ सकता है, हमें कौन रोक सकता है. वी वर ट्राइंग टू बी वेरी शार्प एंड स्मार्ट, लाइक इट वाज एक्चुअली हराम दैट वी वर डूइंग. और इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देना और अल्टीमेटली गुनाहों में जाना शुरू कर देना और इतने रिस्क लेना शुरू कर देना कि डर लगने शुरू हो गया कि कहीं हम जेल में ना चले जाएं या हम गन शॉट में मर ना जाएं. इस तरह की लाइफ गुजारना शुरू कर. शुक्र है बैंक रॉबरी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह वी डिडंट रॉब अ बैंक, लेकिन इस एक्सट्रीम पे जा रहे थे कि जिसमें कुछ पता नहीं था कि कल को क्या हो जाएगा. और जिस फील्ड में भी जा रहे थे ना, सुकून और चैन का नाम नहीं था. हालांकि आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से एवरीथिंग इन माई लाइफ, और वो जिंदगी जो मैंने हमेशा इमेजिन की थी कि याला मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, आई हैड ईच एंड एवरीथिंग, मनी, कार, एक गुनाहों की जिंदगी, विच इज गर्लफ्रेंड्स, यू नो पार्टीज, अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी, कि कोई किसी को टेंशन नहीं, हेल्थ, आई हैड एवरीथिंग. लेकिन जो एक खुशी होती है कि आप यार यू वॉन्ट टू अचीव दिस पिनिकल एंड वैन यू रीच दैट पिनिकल इन लाइफ, आपको वो मिलती नहीं कि यार ये क्या. सारा दिन घूमने फिरने के बाद जब हम रात को घर आते थे और व्हेन आई यूज्ड टू हिट माय बेड, आई वाज लाइक मैंने क्या किया, किसी का वो लिहाजा मिला, किसी को मारा या सर खोला, या गुनाहों की जिंदगी, या रेस्टोरेंट्स में गए खाना पीना और बाप का पैसा लुटाया और वापस आके दिस इज लाइफ, इज दिस माई लाइफ, आई शुड क्वेश्चन दिस.
और मेरी जिंदगी को ना बहुत सारे इंसिडेंट्स ने चेंज किया, लेकिन मेनली तीन इंसिडेंट्स ने बहुत अफेक्ट किया. नंबर वन, आई वॉज इन मुल्तान, और मुल्तान में ही मैं उस जगह से, इवन जब मैं मुल्तान में था मैं गुजरा भी सही, एंड आई सॉ दैट प्लेस सुभानअल्लाह जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था. और उस कॉन्सर्ट में हम कुछ दोस्त गए हुए थे, एंड वी वर पार्टिंग एंड वी वर डांसिंग एंड वी वर मतलब जानवर की तरह नाच रहे थे. और वो बीच में मगरिब की नमाज भी गई और मगरिब की नमाज भी गुजर गई, हम नाचना गाना और एक वो एक अजीब सा माहौल था, हम लोग मजा इंजॉय कर रहे थे उसमें, मज़ा आ रहा था और सब, और जिसमें शाउट आउट्स भी हो रही थी, लोग आके अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, डिफरेंट बातें हो रही थी गानों के बीच में पॉजेस में. एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. मैं तो ठीक है आए, कुछ कहना चाहते हैं कि लास्ट सॉन्ग वॉज यू नो अमेजिंग एंड इट ब्लू अस अवे, और इससे की बात करना चाहते हैं. और वो आए, उन्होंने कहा कि मैं अभी सामने वाली मस्जिद से जो साथ कुछ स्ट्रीट पीछे है वहां से नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, और आप लोगों के नाचने और गाने की आवाज़ें उस मस्जिद के अंदर तक आ रही थी. थैंक यू सो मच फॉर रूनिंग आवर प्रेयर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी नमाज को तबाह बर्बाद किया. एंड ही लेफ्ट द स्टेज एंड ही वेंट अवे. इट हिट मी रियली हार्ड कि मैं भी तो मुसलमान हूं, मगरब की अजान कब हुई, नमाज कब हुई, हमने तो परवाह ही नहीं की. बजाय कि परवाह करते हैं सोचते मैं तो कॉन्सर्ट में नाच रहा हूं, और हमारे नाचने और हमारी आवाजों और शोर और इन वूफर्स और स्पीकर्स की जो आवाज है मस्जिद के अंदर तक पहुंच रही है और नमाजी को डिस्टर्ब कर रही है. What kind of a Muslim you are? ऐसे बहुत जोर से स्ट्राइक किया, और बिल्कुल ऐसे जो एक इस इंसान की जान निकल जाती है ना, वो जान निकल गई. फिर हमने कहा यार बात तो ठीक ही है इसने, लेकिन क्या करें, आप कॉन्सर्ट में आए हुए हैं. तो हमने बड़ी जबर किया कि यार चलो नाचते हैं और उस फीलिंग को ओवरकम करते हैं, और हमने दोबारा नाचना भी शुरू कर दिया, लेकिन दैट फीलिंग नेवर वेंट अवे. और अल्टीमेटली हमने कहा कि यार बस निकलो यार, चलो जाते हैं कुछ खाने पीने चलते, और हम खाने पीने चले गए. एंड दैट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. कितनी अफसोस की बात है कि जिस महफिल में तुम हो उस महफिल की आवाजें मस्जिद तक पहुंच रही हैं, और मस्जिद में नमाजियों की नमाज डिस्टर्ब हो रही है. व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम यू आर, एंड यू कॉल योरसेल्फ आशिक रसूल और मुहब्बे रसूल, और यू कॉल योरसेल्फ अ मुस्लिम. तो इट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड गिव मी गिल्ट. दूसरी चीज, जब मैं इस्लामाबाद में था, आई यूज्ड टू गो टू अ क्लब व्हिच इज इट्स अ स्पोर्ट्स क्लब, वो वाला क्लब नहीं इतना भी मैं, ठीक है, तो वो उस क्लब में ज्यादा स्विमिंग करने के लिए और जिम करने के लिए. इट्स नोन एज गन्स क्लब, अभी भी है शकरपुड़िया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ है, जो आप लोग जानते होंगे. तो वहां पे मैं वहां से वापस आता था रात को लेट स्विमिंग करके. तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं देखता कि मस्जिद के बाहर ना कुछ गाड़ियां खड़ी हुई और नमाज हो रही है शाह की, और मैं अक्सर उसके घर चला जाता खाना छाना खाने के लिए. एकदम मुझे ख्याल आया कि यार मस्जिद में जमात हो रही है और उसके स्पीकर ऊपर लगे थे, तो आवाज भी आ रही थी अजान जमात के कुरान पढ़ा जा, और तुम ढीठ बन के निकल जाते हो, तुम तो मस्जिद में नमाज पढ़ लिया करो चलो कभी कभी. और द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर मी टू स्टार्ट प्रेइंग वाज वजू, कि यार वजू करना पड़ेगा छोड़ो, वजू बड़ा मसला था मेरे लिए कि वजू नहीं, वजू करना, जब वजू होता तो पढ़ लेते थे, लेकिन जब वजू नहीं होता था तो फिर इट वॉज टफ. तो चूंकि मैं स्विमिंग करके आ रहा था और मेरा जो फिकही जो जहन था उस टाइम का, वो कहता था कि चलो आपने डुबकी मार ली पूल में और आपने शावर ले लिया, तो दिस मीन्स आपका वजू है, लेकिन इस तरह वजू नहीं होता. तो वजू के लिए नियत चाहिए होती है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है, आपने नियत, क्योंकि हर इबादत के लिए नियत चाहिए होती है और वजू की इबादत है, तो आपकी नियत जरूरी इंपॉर्टेंट होती है. मैं नियत तो करते ही था, वो स्विमिंग करके आ गया और आई थॉट कि मेरा वजू है चूंकि मेरे हर चीज़ गीली हो गई है. तो मैं चलो यार ठीक है, और मैं गाड़ी पार करके वजू की हालत में हूँ तो नमाज पढ़ लेता हूँ. और मैं जब नमाज पढ़ रहा था उस मस्जिद में, तो उस मस्जिद में नमाज के फौरन बाद 10-15 मिनट का दर्स होता था. वो मेरे जो भी शेख हैं माशाल्लाह, वो शेख दर्स दे रहे थे, और मैं क्योंकि वो एक स्विमिंग और स्टीम लेने के बाद और सोना बात लेने के बाद यू आर फीलिंग मच रिलैक्स एंड यू वांट टू सिट एंड रिलैक्स, और एक आप स्पिरिचुअल ऐसे फील कर रहे होते हैं, तो आज टू से चलो सुन लेते हैं मौलवी साहब क्या कह रहे हैं. और उस दर्स में जो जो बात बताते थे वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ के ना वन डिग्री ऑपोजिट रहे थे. मुंह से गाली नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम काम नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए. आई वॉज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, और हर चीज मुझे ना निगेट करती कि यू आर नॉट दिस पर्सन जो अल्लाह ताला एक मुसलमान से डिमांड करते हैं, मुस्लिम शुड बी लाइक दिस, यू आर 180 डिग्री ऑपोजिट टू दैट पर्सन. सर उसको इग्नोर किया, कुछ दोबारा मस्जिद में आया, और करते 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 जब वो सुनना शुरू किया, आई स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि ये क्या चल रहा है. और उससे हुआ ये कि मेरे अंदर ना एक जंग शुरू हो गई मेरे अंदर नफ्स में, कि मैं अपने जो दिन गुजार के आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और दोस्तों के साथ, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग दैट वे, और जो ये मौलाना साहब कुरान से हदीस से बातें बता रहे हैं ये तो सही है ये ठीक, लेकिन ये इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो. पहले तो उस सबको मैं एंजॉय करता था उन सब हराम एक्शंस को, लेकिन अल्टीमेटली हुआ है कि आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट दोज थिंग्स.
कि मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से ना जंग छिड़ गई मेरे। और मुझे याद है हमारी साइकोलॉजी क्लास हो रही थी और उसमें हमारे बड़े एक अच्छे टीचर थे, उन्होंने हमसे एक एक्टिविटी कराई। उन्होंने कहा कि आई गिव यू मे बी कुछ मिनट्स, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, मुझे सारा सिनेरियो भी याद नहीं है, क्लास में थे, आई गिव यू सम टाइम 10 मिनट, इसमें आप लोग यू नो डिग डीप इनसाइड योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम वन डे इन योर लाइफ, हाउ डू यू इमेजिन योरसेल्फ, यू नो व्हाट विल बी विल यू बी डूइंग आफ्टर मे बी लाइक 5 years or 10 years, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। और उसमें जो है ना वो सबसे क्वेश्चंस पूछना शुरू हुए, somebody said I want to become a car racer, somebody said I want to become a doctor, some said I want to become an actor or a painter or a director or something, it's like I want to become a teacher। जब मेरे पे बात आई, I was one of the most notorious guy of my universities, ठीक है, I was famous for that। तो आए जब मेरे बात आई, आप देखते हैं क्या बोलेगा, I said कि I want to work for Islam, मैं अल्लाह ताला के दीन का काम करना चाहता हूँ। एंड एवरीबॉडी जस्ट उसको देखो, ये कौन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और ये ऐसी बातें कर रहा है, और हा 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 तुम कहाँ ऐसे बनोगे। एंड यू नो व्हाट, उस टाइम ना मेरा नफ्स मुझे अंदर से कह रहा था कि आई वांट टू बी दिस पर्सन वन डे, बट जो मेरा फिजिकल सेल्फ था और मेरा जो करंट बीइंग था वो इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट था। एंड पीपल डिडंट नो मी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, जंग चल रही है। एंड आई सेड सो आई वांटेड टू बिकम समबडी एल्स, लेकिन जो मेरा नफ्स था उस जंग के बाद कहता था अल्टीमेटली मैंने एक अच्छा मुसलमान बनना है और अल्लाह ताला के दीन का काम करना। एंड आई सेड सो एंड एवरीबॉडी लाफ्ड के इसको देखो, इसकी हरकतें देखो, इसके बातें देखो। सो आई सेड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बिकॉज वो मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज आई और उसने ना एक जंग को छेड़ दिया, जो शुयूख शेख के दर से उसने मेरे अंदर एक नई यू नो एक बैटल फील्ड कायम कर दिया जिसमें मेरा नफ्स दूसरे नफ्स से लड़ रहा है। और जब मैं अगले यूनिवर्सिटी जाता और मैं इरादा करता था हर रात को कि मैं कल से ना आई विल टोन डाउन, लेकिन जब मैं गैदरिंग में जाता और दोस्तों में जाता तो एवरीथिंग वॉज द सेम, कि पीयर प्रेशर और आप उसमें एक जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप। और मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी थे जिसमें मैं मतलब अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ और पिछली रात को मैंने किसी मौलाना साहब का, स्पेशली मौलाना तारिक जमील हाफिज़ुल्लाह का दर्स सुना और उनको मैं सुन के मेरा बड़ा आंखों से आंसू बहते थे और मैं बड़ा तौबा करता था। और अगले दिन मैं अपनी फीमेल फ्रेंड को बोलता कि मैं ब्लूटूथ ऑन करूँ, आई वांट टू सेंड यू समथिंग, शी वाज थिंकिंग कि ये मुझे गाना भेजने लगा, आई यूज्ड टू सेंड हर द बयान ऑफ मौलाना साहब, और कहते लंबा क्या भेज रहे हो, प्लीज एक्सेप्ट इट और इसको कबूल करो और सुनना है इसको, ठीक है।